के वेलकम बैक को मेरे चैनल के ऊपर। तो गाइस आज मैं खेलने चल रहा सर्वाइवल एसएमपी का पार्ट 7। तो गाइस जिसने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक दो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट्स पे एक नया हैशटैग ओपी। तो भाई करते वीडियो को स्टार्ट। मैंने कल से वीडियो रिकॉर्ड करना बंद हो गया अचानक से। अभी यहाँ पे वैसे इंसर्ट चलते शायद ग्लिच ख़त्म हो जाए, वेट करो। तो गाइस अभी चलते हैं, तो प्लीज़ यार अब जब ग्लिच हुआ तो फिर मम फिर ये तो ठीक है। तो मेरे को ओ भाई ये तो सीरियसली मैं ग्लिची था। अच्छा ग्लिच था, ये ग्लिच चल रहा था, वो ना ही उसका नेम टैग शो हुआ था ना ही वो खुद दिख रहा था। अब पता चल गया वो ग्लिच होता है शुरुआत में आके ना। ओ भाई शुक्र है पीसी वापस आ गई, पर ग्लिच के कारण इस ग्लिच के ने बड़ा ड्राई दिया मुझे। अभी एक्सपी फॉर्म बनाने के लिए हमें थोड़ा सा और कॉबलस्टोन चाहिए और भाई होपर चाहिए। होपर 7 7 14 14 आई थिंक पूरा। तो जी अभी चलते हैं माइनिंग पे, हमारी फेवरेट माइन फॉर एवर। भाई मैं टॉर्च इस बार रखूंगा नहीं। यार नीचे और आते ही कीपर ने भैया ने स्पॉट कर दिया। और यहाँ पे कोई आयरन वगैरह तो है गा ही नहीं। भाई मेरा आयरन मेरा आयरन हाँ यही था आयरन। पाँच मिल गया वही किचन सो रहा है। वो यहाँ पे भी आया ना। भाई बस 14 हो रहे 4। भाई 16 आया रन। गाइस 2 मिनट वेट। आप देख सकते हो मेरे पास फुल नाइलर आर्मर है जिसको भाई मुझे एक्सपी फार्म की जरूरत है। मेरा हेलमेट टूटने वाला है इसको मैं ऐसे करके फिर उतार ही देता हूँ ताकि कम से कम हेलमेट तो ना इतना डैमेज हो। तो गाइस आपने पिछली वीडियो में देखा होगा लेकिन मुझे क्रेडिट में ले लिया था, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। और नाले अब वो कह रहा था कि मैंने सब कुछ क्रिएटिव से निकाला है। असलियत में आपके सामने मैंने सारे पार्ट्स अपलोड किए और मैंने उसके बाद मैंने वर्ल्ड को छेड़ा भी नहीं तक। ये सारा सब झूठा, ऊपर से वो क्रिएटिव ले गया उसके कारण मेरे चीट सॉल्व हो गए यार। वो मैं मुझे ना फिलहाल तो एक्सपी फॉर्म चाहिए। एक्सपी फॉर्म के लिए मुझे वो चाहिए थोड़ा सा कॉबल स्टोन जो मेरे पास भरपूर पड़ा हुआ। भाई मेरे सबसे पहले वीडियो से नहीं सेट करने पड़ते यार, देखते हैं कितना कॉबल स्टोन मेरे यहाँ पर। तो भर भर के कॉबल स्टोन है, बट सर बढ़िया बट। तो गाइस हमें मिल गई थी पिछले पार्ट में, हमें वो मिल गई थी नेदर फोर्ट्रेस जो लवी ने टूटी थी। भाई सीरियसली मैं हमें मुझे पहले पता ही नहीं था कि नेदर फोर्ट्रेस हमारे है वो इसके पास घर के ही नादर के अंदर है। पहले मैं डर्ट उठा लेता हूँ, डर्ट भी काम की आती है। फिर 14 से 34 पहले चेस्ट बिखरी हुई है भाई मेरे पास ब्लॉक की कोई कमी नहीं है, बल्कि मुझे ग्रेवल वगैरह नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कॉबल स्टोन। और हाँ हमें एक विदर स्कल भी मिला था इसको, जिसको मैं चेस्ट के अंदर डाल रहा हूँ और ये बोन्स को ऊपर डालता हूँ। ये रही हमारी रॉड्स और ये एक ये ले लेता हूँ और ये 8 कोल रख देता हूँ इनसाइड। और इस चेस्ट में सब स्नेक नैद रख रखा था और हमारा घर भी टूटा हुआ है, इसको हम अगले पार्ट में जोड़ लेंगे। इस पार्ट में हमने आज बनाना है अपना एक्सपी फार्म। भाई उसके लिए मुझे स्पॉनर चाहिए,
क्योंकि बिना स्पॉनर के तो कुछ तो हो ही नहीं सकता हमारे से। भाई कोई स्पॉनर मिल रहा है यही कहीं पे। चलो फिर अपना नेचुरल जनरेटेड एक्सपी फॉर्म बना लेते हैं। और फिलहाल मुझे एक स्लैब चाहिए बस। भाई मेरे मुझे आयरन की माइनिंग करनी पड़ेगी, मेरे पास आयरन नहीं है इतना, क्योंकि सारे लवी की इन्वेंटरी में आयरन पड़ा हुआ था, सारा टोटल टोटल सारी लवी के आयरन के पड़ा हुआ था लवी के पास। यार मेरी मम्मी ने आवाज़ दी थी, तो थोड़ी सी मम्मी ने आवाज़ दी थी, मैं कह रही है कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इसी कारण मैं अभी नहीं आऊँगा कमरे के अंदर। व्हाट पिंक शिप, तो गाइस हमारी पिंक शिप हो चुकी है गायब। अब पर मैंने उसको नेम टैग दिया हुआ था फिर भी वो कैसे गायब होगी, शायद कोई ग्लिच के थ्रू गायब हो गई होगी। नहीं मैं नेदर में क्यों जा रहा हूँ, मैं नेदर के अंदर चला गया यार, नेदर के अंदर चला गया मैं गलती से। इसको साइड में रख, मैं अभी रोटी खाने गया था तो इसी कारण मैंने ये वीडियो पॉज कर दी थी। तो भी हम फ्लोर से आयरन की माइनिंग क्या निकला भाई, यार इतना आयरन चाहिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मिलता हूँ 64 तक तो चाहिए होगा मुझे। ये रखा, इसका नाम बोलती है हासिल हो जाता भाई 30 हो गया। ओ भाई मेरे 34 ही हो गए, एक से 3 मिल गए, एक से 3 मिला। अब आ गया ना मजा बीड़ू भाई, मैं जा रहा हूँ यार यहाँ से, थोड़े से कोल में ही कर लेते हैं भाई, आयरन भी मिल गया चल बढ़िया, इसको भी माइंड कर लेते हैं कि कोल की भी कमी पड़ती है और आयरन की भी। फिर तो भाई अंदर और है यार, आपको लग रहा होगा मैं इतने अंधेरे में कैसे आयरन देख पा रहा भाई, दूर दृष्टि भी गया हूँ, नाइट विजन लगा हुआ है पोशन, मजाक किया नाइट विजन थोड़ा ना लगा हुआ है ना। मुझे थोड़ा सा नेदर वॉट मिल गया था, इसके लिए मैं शायद पोशंस बना सकता ना भाई। अब जाना कहाँ पे है, अब सच नीचे जाना था एक ही पे तो था क्या, इस साइड मेरी माइन है, मैं किस साइड चाहता हूँ भाई, ऊपर से हंगर भी ये था पोक चॉप। भाई लिटरल में वही जगह है, भाई लीड मिल गया एक्स्ट्रा, भाई मैं इस बार लीड लेके रखता हूँ। ये रिमाइंड माइन, उससे पहले मैं कहाँ से जाता हूँ यार, रास्ता भूल गया मैं तो। एक ही पे शेत भी होना चाहिए ना भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा मेरे रास्ता का बजा। हाँ यहाँ से यार मैं, अच्छा मिल गया फाइनली भाई, फाइनली रास्ता मिला मुझे। अनलॉक से वेस्ट करते हैं, सुबह भी हो रही है भाई, तोतला के मन रहा हूँ, सुबह भी हो रही है भाई। चल फिर बढ़िया है, मैंने एक भाई शार्पनेस मिल जाए ना, वन शार्पनेस मिल जाए, मेरे शार्पनेस 5 बन सकती है, ये स्वॉर्ड
और वही ऑफिशियल भी बढ़िया है फिर भी भाई एक लक्कड़ की नहीं यार। चलो ऐसे करते फिलहाल तो इसको स्मार्टिंग में लगाते जाते तो एक्सपी फार्म को बेसिक के तैयार कर देते हैं। हाँ ये ना चलो अभी बनाना शुरू करते हैं एक्सपी फार्म। भाई इस 20 मिनट में मैंने बहुत कुछ करना आपको नहीं पता रहा। सबसे पहले तो मैं बेवकूफ़ी करूँगा। हाँ एक स्लैब चाहिए अभी आपको मैं टू के कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ ना हमारी पिंकी भाई फिर से वही ग्लिच चल पड़ा। नो मैं नेम टैग भी नहीं शो कर रहा उसका भाई। कोई नहीं चल ही जाता फिर से नादर के अंदर फिर से फिर वहाँ पे चलते हैं भाई। एक बार ये एफ के पोजीशन करके मिलता हूँ। तो गाइस मैं नादर से ओवर वर्ल्ड में आ गया हूँ वो भाई एफ से ही हो गया इतने ग्लिच। अब फिर से क्लास में तोड़ो अभी मैं यहाँ पे एक और तोड़ के गया था भाई जब मैं इसके अंदर ही गिर गया था। और हाँ 27 XP में थी ऑलरेडी यार। फिर तो अभी XP बढ़ा ही लेते हैं क्योंकि XP फॉर्म तो बढ़ नहीं है तो रह लेते हैं। अभी XP फॉर्म बनाते हैं ट्राई करते हैं उसके ऊपर ट्राई करते हैं नहीं तैयारी करते हैं उसके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरह यहाँ पे लगेंगे हमारे 2 चेस्ट्स। इसके लिए मैं खोलने के लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे चेस्ट लगेंगे इसके ऊपर हॉपर लगेंगे हॉपर के ऊपर स्लैब्स मतलब कि 1 2 और एक इसके ऊपर स्लैब्स 2 3 4। चलो जी अभी थोड़ी सी वुड भी माइन करनी पड़ेगी मुझे भाई। हेल्थ हंगर बार बहुत जा रही है मेरी इस टाइम पे ना। भाई ये ना ग्लिच बहुत गंदा है हार्ट अटैक दिला देता है। बस अच्छा ये पक्के का कैसे ये ले आए को ले ले जैसे तो तक खाया कुछ। हाँ थोड़ी सी वुड है यहाँ पे वो 2 लॉग्स हैं और एक और वुड है ओ पी ये बॉयज। कम से कम 2 चेस्ट तो बना लूँ। एक भी चेस्ट बना पाऊँ मैं। अभी फटाफट से चलते हैं पे माइनिंग ऐसा लग रहा है जैसे मैं थ्रोन बना रही हूँ यहाँ पे अभी उसका पैर बना अभी ऐसा लग रहा है भाई। कीस को भी काट देता हूँ बस शायद इसकी वुड काफ़ी थी नहीं यार और भी वुड चाहिए मुझे। और यहाँ पे ना ओके ट्रेस ज़्यादा होते हैं यार असली उसमें होता है अपना स्वाम बायो में वहाँ पे ट्रेस ज़्यादा मिलते हैं। अब इसको भी इन दोनों को भी नैदर के मैं कर देंगे किसी और दिन। इसके ऊपर एफिशिएंसी 2 मिली हुई है। मैं इसको ना अभी थोड़ी देर तक जब मैं XP बढ़ाना शुरू कर दूँगा तब मैं इसको ना अच्छी इंचारमेंट देने की कोशिश करता हूँ। मैंने उसके बाद यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल पर जाके भाई मेरे 1 2 3 4 4 आ गए चेस्ट वो पी ये अपना XP फार्म के लिए। यहाँ पे 4 चेस्ट लगा देता हूँ हो गया। अभी फटाफट से और चेस्टेस बनाने पड़ेंगे 4 चेस्टेस और फिर से बनाने पड़ेंगे क्योंकि फिर होपर्स के अंदर भी चेस्ट ही लगने हैं। देखते कितने बनते हैं भाई 2 बन पाए और वुड माइन करके लेके आता हूँ। जब तक आप इंजॉय करो मैं और वुड माइन करके लेके आता हूँ आपके लिए तो बढ़िया। फिर भी हम आप आराम से बैठ के वॉच कर रहे हो और मैं यहाँ पे पेड़ माइनिंग कर रहा हूँ मैं।
लिटरल में भाई, अगर बेबी शिप मिलेगी ना, मैं भाई मैं ये समझ लूँगा कि मैं लकी हूँ। ऊपर से मेरी वीडियो के लिए भी ये लक मिलता है मुझे भाई। मेरे बस ठीक है, हो गया अब अपना काम, अभी चलते हैं करने आराम, क्योंकि रात हो रही है भाई। मैंने अभी तक शील्ड नहीं बनाई, मैं क्या बंदा हूँ यार भाई, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं क्या बंदा हूँ। मैंने ना शील्ड बनाई कभी जिंदगी भर, मैंने शील्ड नहीं बनाई इसमें शायद, क्योंकि ये देखो मेरे ना कोई चेस्ट में शील्ड पड़ी होती है। अभी फिलहाल यहाँ पर जितने भी लॉक्स माइंड करिए इसको निकाल दो, दो चेस्ट इसको मैं कन्वर्ट कर देते हैं, इसको एक चेस्ट बन गई, एक चेस्ट और बनानी है मुझे, एक और चेस्ट बन गया। अभी चलो सुने भाई, बोला बुआ खुला है, बल्कि हम फिर भी सो देते हैं क्योंकि हम हैं शार गेमिंग क्यों कह रहा हूँ, अब मेरा ये नाम चेंज है, अब मैं हूँ हिप हॉप गेमर ब्रो। और हाँ, जिसको भी अजीब लग रहा है मेरा ये नाम, ठीक है अब इसको मारना पड़ेगा इस नाम को, क्योंकि अब यही मेरा रियल चैनल का नेम रहेगा हमेशा हमेशा के लिए यार। वैसे मैं रखना नहीं चाहता था इस चैनल का नेम ये, पर क्या मैं क्या करूँ, रखना पड़ा अपना, क्या कहते हैं अब हॉपर के लिए कुछ इस तरह शील्ड के लिए सिर्फ डिज़ाइन होता है, इसको यहाँ पे रखे शार, यहाँ पे चेस्ट दिस भाई कैसे का था, हॉपर कैसे बनता है हॉपर। अच्छा ये शील्ड जैसे टेक्सचर है, टेक्सचर कह दिया वो सेम ही है, शील्ड तो सही है भाई। हेलमेट रिपेयर करने के लिए इसको पहन लेते हो दो मिनट के लिए, कल थोड़ी एक्सपी मिलेगी होगी इसको, अब इसको आ देता हूँ भाई। असली एक्सपी फार्म जब बनेगा ना, मैं इसको एक्सपी दूंगा भाई, बस ये वर्क करने नहीं है बस इतना है। वैसे मैंने काफ़ी बार ये एक्सपी फार्म बनाया हुआ है, बल्कि फिर भी अब जो ट्रस्ट में अब ये वर्क ना करा ना, मैंने एक्सपी फार्म को ही तोड़ देना पूरा भाई, तोड़ते देंगे। चलो जी अभी इसका बेसिक डिज़ाइन तैयार करते हैं, मैं सोचो बता रहा हूँ मुझे कॉबल स्टोन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अभी। और सबसे पहले तो मेन चीज़ चाहिए वाटर बकेट भाई, मैंने वाटर बकेट ली थी बल्कि मैंने पता नहीं कहाँ पे गुआच ली अभी वो। चलो अभी आओ इस तरह से इसको मैं मार देता हूँ ब्लॉक, अभी ना सारी जगह से इसको कवर कर देता हूँ कुछ इस तरह से भाई, इसको ब्लॉक टाइप रखना, थफ भी किसी दिन काम आएगी भाई। जितने टाइप ऑफ वुल्स है ना सारी ना यहाँ पे लगा कर इसको अटैच कर देता हूँ, ताकि ना फिर पौड़ियाँ फिर कभी। सबसे पहले मुझे एक्सपी फार्म के लुक के लिए ना ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, अभी फिलहाल फटाफट से भाई मैं आधी रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसको, बिल्कुल लाइव मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, यूट्यूब का करियर चल रहा है मेरा। चलो भाई कुछ होता भाई, यहाँ से भी मार सकता हूँ मैं, इसको भी अटैच ही कर देता हूँ। मेन मुझे अब बनानी पड़ी वाटर बकेट, क्योंकि मेरी वाटर बकेट नहीं मुझे मिल रही भाई, ये ब्लॉक्स काम आएगी किसी दिन भाई। इससे रुक लेकिन मुझे अच्छा, अगर ये भागते भागते ऐसे लोड करके मारोगे ना आपको ही बचती है, पहले अब समझ आ गई। बस एक चीज है रिस्पॉन वाइज सेट है भाई, मेरे पास वैसे गंद की कोई कमी नहीं है, पर
पर फिर गया। जब मेरे पास ये लीड थी उसके बाद में दो और लीड ली, पांच लीड्स होगी मेरे पास कम से कम। मैंने सबसे पहले चीज करनी है ग्रैंड का भाई, कौन पे है वो जिसका मुझे सब बेसब्री से इंतजार था भाई, वो घड़ी कहाँ पे है? ओ हाँ याद आ गई, वो घड़ी जिसका नाम है वाटर वाइट भाई, इसको ले लेता हूँ। उससे पहले फटाफट से अपना हेलमेट पकड़ लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा रिपेयर हो जाए भाई। नहीं हुआ रिपेयर, ही नहीं हो रहा भाई। इसके लिए मुझे बकरा ही ला, इसके लिए मुझे ये ही चाहिए एक्सपी फॉर्म। चलो भाई अभी बनाना स्टार्ट करते हैं एक्सपी फॉर्म। भाई शायद वीडियो लंबी हो जाएगी, आप फिर भी वॉच कर लेना इसको अंत तक भाई। मैं ऐसे एडिटिंग मुझे इतनी इतनी नहीं आती रे भाई। यहाँ पे भाई यार ये ग्लिच मेरे साथ आजकल होते ही रहता है भाई। पानी उठा ले, अब मुझे फटाफट से ये लगाना चाहिए। मैं वुड भी, अगर जे मुझे वुड लगी तो मैं, अगर मुझे वुड लगी मैं वुड भी लगाऊंगा भाई। एक दो तीन चार मुझे लग रहा है आधे घंटे में तैयार हो जाएगा भाई पूरा का पूरा, क्योंकि मुझे पानी इनफिनिट वाटर सोर्स भी चाहिए उसके अंदर। ये ली मैंने डर्ट, एक दो तीन चार भाई डर्ट ही खत्म पड़ गई अब तो। अब कॉबलस्टोन ही एक ग्रेवल लगा देता हूँ, ग्रेवल कॉबलस्टोन लगाना शुरू करता हूँ। इसको मेरे कितने ब्लॉक्स खींचे लेके जाना है, 21 21, बल्कि मैं इसको कुछ ज़्यादा ही ऊपर खींचे ले गया मुझे लग रहा है। चलो फिर गिनना पड़ेगा भाई। भाई लेक के अंदर ही मैं कभी लैंडिंग कर पाया सीरियसली, मैं देखना है कितने ब्लॉक्स हाइट हो गई है इसकी। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ब्लॉक्स की हाइट हो चुकी है। 13 14 15 16 17 18 19 20 21, अब ठीक है नहीं 21 ही रखते हैं, 20 पे रखते हैं इसको भाई। मेरे भाई मैं क्या बनता हूँ यार, उसकी जितनी हाइट लिमिट पे भाई। डैमेज भाई डैमेज को ना करते करते 100 साल लग जाएंगे भाई, 100 साल भाई। याद है फिर से कॉबल स्टोन भाई मेरे डैमेज ही मिला हाफ पार्ट का भाई। चल क्या भाई भाई ये क्या लिटरल में मैं क्या कर रहा हूँ भाई। खतरों के खिलाड़ी बनाऊँ यहाँ पे,
खतरों से खेल रहा हूँ मैं। हाँ खतरा खट्टा लग गया आखिर। इस बार डैमेज नहीं मिला मुझे, बल्कि गिरने के बाद आई मुझे। चलो जी अब आठ ब्लॉक्स इसको पीछे खींच लेते हैं। एक दो तीन, तीन ही ब्लॉक खींच खींच पाया। चार पाँच छ सात, सात खींचो फिलहाल। हाँ मैं नूबड़ों वाला ब्रिज कर रहा हूँ, बल्कि मैं क्या करूँ भाई, मज़ा आता है स्कोप करने में भाई मेरे। अब देखते हैं पानी कैसे निकलता है यहाँ से। ये रखा इसको, फिर इसको रखा, इसको तोड़ा, उसके बाद इसको इसको। मुझे ना एक ऊपर लाके बेड रखना चाहिए मेरे पास। चलो भाई जी यहाँ पे पानी गिरा देते हैं ताकि फिर मैं बेडरूम बेड तक जा सकूँ। देखा भाई फिरोनस फिरोनस। और ये कर सकते तो पहले यहाँ से सो जाता हूँ भाई। आपका भाई पीरो पीरो सबसे पहले ना जाके। अच्छा अब मुझे चाहिए था मेरा क्या नहीं था वो भूल गया। हाँ बेड बेड बेड, एक बेड उठा लो। उसके बाद चलो चलो वाटर वाटर लाइक ये भर लेते हैं। इन्फिनिट वाटर सोर्स में आना होता है। अभी चल के ना फटाफट से पहले ना कोई उसकी हाइट चेक वो कर लेते हैं चेक कर। भाई सीरियसली मैंने जो बोल रहे मैं बोलूँ बोल रहा हूँ आप भी सेम टू सेम ही हो रहे होंगे। गलती से मैं ये वाला पानी मत उठा लूँ भाई, मैं सीरियसली मैं पागल हो जाऊँगा फिर से पानी लेके आ। ओ भाई यार इसका ध्यान रखना पड़ेगा। भाई नहीं जा रहा इनसाइड यार। अभी मुझे टू बाई टू पर आंसू होने होगा भाई यार। मुझको जाना पड़ेगा। भाई ऊपर चलो भाई। भाई लग पानी लग गया। तो यप इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफिनिट वाटर सोर्स बन चुका। एक दो तीन चार पाँच छ सात, मुझे को सात तक खींचना है। उसके बाद फिर भी जाके एक दो तीन चार पाँच छ सात भाई सात। उसके बाद अभी इस लेयर को यहाँ से खींचना है भाई, घुमा के देना है इसको। सीरियसली मैं अभी मैं आधी रात को बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। शायद मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो सकती है इसी कारण, क्योंकि मैं ना
ये देखो फ़ोन की बैटरी दिखाता हूँ, 29 फ़ोन बैटरी है फ़ोन की, तो शायद मैं सुबह भी कंटिन्यू कर सकता हूँ इस वीडियो को बनाते बनाते, क्योंकि फ़ोन की बैटरी तो है ही ऐसी कमज़ोर सी, फ़ोन की बैटरी है ऐसी कमज़ोर है भाई मेरे। वहाँ पे है इनफाइनाइट वाटर सोर्स, मैं गिन नहीं रहा, 1 2 3 4 चार है, 5 6 7 अरे लगदा लग गया लग गया। सीरियसली मैं जो रात को दिमाग खपता है ना भाई, देख लो आपके लिए आधी रात को बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी कितने होने वाले हैं, हाँ 10 बज गए पूरे ही पूरे भाई, 9 बजे पूरी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी, 1 घंटे से बनाई जा रहा हूँ मैं, बल्कि रिकॉर्डिंग हुई सिर्फ 40 मिनट की होगी होगी, अभी देखना वीडियो 40 मिनट की डरेगी, क्योंकि आप कोई वीडियो नहीं देखते 8-2 मिनट की, इसी कारण आपके लिए स्पेशली 40 मिनट की वीडियो भाई। चार 5 6 7 बिल्कुल परफेक्ट। अभी फिलहाल आगे जाते वही मैं आगे जाकर इसको पूरा ऐसे कंप्लीट कर देता हूँ, इसके बाद 1 2 3 4 ब्लॉक्स ही ख़त्म भाई, लिटर में मुझे अब वुड का यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि ब्लॉक्स ख़त्म है। इनफाइनाइट वाटर सोर्स मैं अपने पास ही रखूँगा यहीं पर फिलहाल तक भाई मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही, मैं क्या बोलूँ भाई, 1 साल करा दूँ भाई 1 साल होना चाहिए मेरी भाई चैनल की, जब एनिवर्सरी आएगी आपको मैं उसमें स्पेशल थिंग दिखाऊंगा जो भाई। तो भाई आज मैं फर्स्ट टाइम नहीं करने वाला, काफ़ी स्पॉन्सर कर चुका हूँ मैं, और आज किसी गिव अवे का स्पॉन्सर नहीं करवा रहा मैं, आज मैं करा रहा हूँ चैनल का गिव अवे नहीं सॉरी चैनल कह रही है भाई, मैं आज अपना क्या कहते हैं देव अरोड़ा व्लॉग्स, आपको मैं उसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, फटाफट से सब्सक्राइब बटन उसके ऊपर क्लिक कर दूँ, उनके 30 सब्सक्राइबर्स करा दो, 30 करा दो यार भाई, इतना तो करा ही दो उसके, आप मुझे पता है आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो भाई यार, मैं कह रहा हूँ भाई मैं पिंक शीप का डर रहा है मुझे, बस यहाँ से उठा के मैं सीरियसली रख लूँ, अगर जे देव अरोड़ा जी आप अगर जे देख रहे हो यार, वैसे है तो मैं नानी करके दोस्ती, अगर जे तू यार भाई देख रहा है यार, मैं तेरे लिए भाई क्या कुछ नहीं कर दूँगा भाई, इनफाइनाइट वाटर सोर्स काम तो मैंने हुआ है, अब तो मैंने वाटर को वो तोड़ भी दिया है भाई, शायद मुझे थोड़ा सा गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे ना 2 ब्लॉक्स लगा रहे तो शायद सही, हाँ सही हो गया भाई यार, देव भाई तू अगर देख रहा है, सच बता रहे अगर तू देख रहा है प्लीज कमेंट्स में बता दी, और मैं तेरे चैनल को आज स्पॉन्सर कराऊंगा यार भाई, पहले ऐसा होता था कि मैं भीख मांगता सब्सक्राइबर्स की भाई, पर लेकिन अब भी सब्सक्राइबर्स की भीख मांग रहा हूँ यार, लेकिन मैं इतना नहीं अब मांगता हूँ,
और अब 10 लाइक करवाते नहीं हो यार। मैं हर टाइम अपने चैनल के ऊपर एक्टिव रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप करवा रहे हो लाइक्स। भाई नहीं करवा रहे आप लाइक्स यार, फटाफट से इस वीडियो के ऊपर 10 लाइक्स करा दो यार। फिर कल एक स्पेशल वीडियो आएगी, आप फटाफट से देख रहे हो उसको भाई, स्पेशल वीडियो। उसके अंदर मैं 3 चैनल का स्पॉन्सर कराऊंगा। फिर भाई मैं इतना अमीर हो गया, कब से स्पॉन्सर कराने लग गया। नहीं यार फिर भी करा दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं किसका चैनल पहले स्पॉन्सर कराऊँ, आपको मैं ऑप्शन दे जाता हूँ कमेंट सेक्शन में। ये वैसे अभी बता देता तो एक अपना आरब गेमिंग, एक डायमंड गेम और एक देव अरोड़ा ब्लॉग्स। भाई ये मैं सच बताऊँ, आप मुझे पक्का प्रेफर करोगे, आपको देव अरोड़ा ब्लॉग्स और देव अरोड़ा ब्लॉग्स और उसको करा दो सब्सक्राइब डायमंड गेमर को। हाँ मैं करा दूँगा उसको भाई, उसका कल मैं स्पॉन्सर कराऊँगा एक स्पेशल वीडियो पर। वो स्पेशल वीडियो है क्यू एन ए, तो हाँ नहीं सकता क्योंकि हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है यार। क्यू एन ए तो मैं डालूंगा नहीं, कि जब मैं कम से कम 100 से 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं आपको क्यू एन ए की वीडियोज़ भी मिल देखने को इस चैनल पर भी रहेंगे। यार वीडियो लंबी कराने के लिए क्या क्या कही जा रहे हैं मैं, और ऊपर से यहाँ पे काम है, काम तो मुक ही नहीं रहा भाई। अब अगर जब ब्लॉक्स मुके हैं, सच बता रहा हूँ मैं भाई, मुझे माइनिंग करने निकलना पड़ेगा यहाँ से भाई, ब्लॉक्स मेरे पास नहीं है अब इतने। शुक्र है थोड़े से मेरे पास नैदर के ब्लॉक्स है, ऐसे करूँगा नैदर के ब्लॉक्स ले आता हूँ, क्योंकि नैदर के ब्लॉक्स ना इजी, नैदर के ब्लॉक्स इजीली मिल जाते हैं यही कहीं पर पड़े होते हैं। कॉबलस्टोन के लिए थोड़ा सा ना ग्रास के डीप जाना पड़ता है, 3 ब्लॉक डीप जाना पड़ता है। सबसे पहले ना यहाँ पे बेड लगा के सोवारा भाई, बेड भी लगा के नहीं सो सकता होगा। आपकी आपको क्या पसंद है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी वही चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करूँगा भाई। भाई इतना खुश हो, इतना सब कुछ कमेंट सेक्शन में प्रेफर कर दोगे भाई, मेरे अगले वीडियो में क्या बनेगा। तो गाइस Part 8 में एक स्पेशल स्पॉन्सर है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको झूठ नहीं कहूँगा। डायमंड गेमर मतलब भुवेश कुमार कुपारी, जो वही इसका नाम है, कास्ट मुझे बोल ही नहीं आ रही। ये मेरा भाई है, जो देव अरोड़ा व्लॉग्स है वो मेरा दोस्त है, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं दिस इज कड़वा सच भाई मेरे। यार कड़वा सच क्या बता भाई, यार एक देव अरोड़ा भाई, देव यार तू देख रहा है, सच बता रहे मैं देख ही रहा होगा क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करता। और उसने भाई मेरा चैनल यार सब्सक्राइब किया, तो इसी के ऊपर मैं इसका स्पॉन्सर करूँगा। मैं ना ही पैसे लूँगा इससे, ना ही कुछ करूँगा, बस नॉर्मली पैसे, मैं नॉर्मल स्पॉन्सर करा दूँगा बस, इजी। क्योंकि हम हैं खतरों के खिलाड़ी, खतरों की लड़ी के, इसको सीन क्या बोला, अरे सो जाते हैं भाई मेरे। भाई खतरों के खिलाड़ी बन के बैठा हूँ मैं यहाँ पर, वो स्पाइडर मरी नीचे गिर के भाई, नीचे स्पाइडर का एंडरमैन भी साथ साथ में है भाई। मैं एक ब्लॉक आगे निकल गया, लिटल आगे एडवेंचर में। अब मैं ब्लॉक्स कहाँ से लेके आऊँगा, ख़त्म तो होने वाले हैं, अब फिर उसके बाद वुड रह जाएगी भाई। बातों बातों के चक्कर में मैंने कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया भाई। यार देव प्लीज़ यार, मैं तेरे चैनल को स्पॉन्सर करूँ यार भाई। स्पाइडर पर ये मरी स्पाइडर, सबसे बेहतर स्पाइडर्स को मार डाल देता हूँ। ये आया क्रीपर, ये मरा ही नहीं है ओ भाई मेरे, मर जा स्पाइडर को मार देते चल भाई। नूबड़ा लग रहा है कर रहा हूँ मैं गाइस। अगर जो आपको चार्ज की ऊपर नेचुरली समन मिले, आप समझ लेना
छींक आने वाली है, वही मजाक कर दिया, वही मुझे छींक आ रही थी इसलिए मैंने अछू कह दिया। अब मुझे चाय भाई, मुझे सबसे पहले ना पानी चाहिए थोड़ा सा, उसके लिए मुझे मेरी फेवरेट जगह पॉन्ड पे कूद डालना पड़ेगा और पानी उठा के इसको मन कम कर दूंगा। ओ भाई मेरे ये किस हाथ से मार रहा है, हाथ से मारेगा भाई। कॉपर मिल गया बढ़िया, एक स्केलेटन का वो भाई हाथ से मार रहा है, हाथ से मार रहा है। मुझे हर एक से वो मिला भाई, उसको भी मार दिया ना। सबसे पहले इन्वेंटरी में जाके ना इन सब बोस को रिपेयर कर डालता हूँ। आ जा, उससे मिल गया। ओ नो भाई यार, ऊपर जो ब्लॉक्स की कमी हो रही है और ये ब्लास्ट कर रहा है। भाई अब मेरे पास टाइम नहीं है, ऊपर से बैटरी भी लो है। यहाँ पे लगा देता हूँ, बस मुझे ना पुश ब्लॉक्स चाहिए। कुछ क्यों कह रहा हूँ यार, सबसे पहले ना नादर में चलता हूँ, फटाफट से नादर में चलते हैं अभी। भाई नैदर में हम आ गए भाई, मैं पहले से ही उसकी आवाज आ गई है, मारने आ रही हूँ भाई। डैमेज मिला, ओ माय गॉड भाई, भीड़े हैं यहाँ पे, क्या कर रही है भाई। ओ माय भाई गॉड, तू भीड़ को मर्डर करती है। माइनिंग, इट्स टाइम फॉर माइनिंग, इट्स टाइम टू भागो भाई। भाई यहाँ पे ना माइनिंग करना भी बहुत मुश्किल है, थोड़े से के लिए इससे भी तो। वैसे आपको ब्लॉक्स इकट्ठे करके हम मिलते हैं गाइस। ये देखना मैं अभी ना ये माइन कर रहा था, इट्स एंशिएंट डेब्रिस भाई। बढ़िया, फिर मैं ना भी कितने सारा माइन कर चुका हूँ। ये देखो भाई मेरे, क्या लक है मेरा भाई, लक 1 मिलियन चल रहा है क्या अभी। इतनी हाइट के ऊपर कौन सा मिलता है एंशिएंट डेब्रिस। चलो कुछ नहीं होता, माइन कंटिन्यू करते हैं अपनी। मैं लिटरल में सच में माइनिंग कर रहा था। ये देखो मैं ब्लॉक्स उठा लूँ, शायद इन्वेंटरी भी फुल हो सकती है ब्लॉक्स से। ये देखो मैं लिटरल माइन कर रहा हूँ, तो ये अभी ना फटाफट से माइन कर लेते हैं, तो थोड़े से और चाहिए मुझे भाई। एक जी गास तक ही गास ने काम आसान कर देना भाई। इतनी ऊपर कहाँ से एंशिएंट डेब्रिस मिल जाता, मुझे पहले पता ही नहीं है भाई। मुझे पता है, इतना पता है कि 36 लेवल से शुरू हुआ था, पता कि 83 सीधा ही। और हाँ गाइस भाई, एक फनीस्ट चीज भी आ रही है 1.18 में। आपको एक 1.18 का फैक्ट सुना देता हूँ, यही भी जो 1.18 आने वाला है उसके, हम यहाँ पे तो 126 ब्लॉक्स या नैदर में 128 256 ब्लॉक्स हम ओवर वर्ल्ड में लगा सकते हैं, पर लेकिन हम अब 326 ब्लॉक्स लगा पाएंगे, 306 ब्लॉक्स लगा पाएंगे एक से। ऊपर वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड में नैदर में हम कम से कम 200 लगा पाएंगे। तुम्हें इसको क्या तकलीफ है भाई, गास ने सच में काम आसान कर दिया, पर कि ना आग लगाती है यार। अब मुझे इसके काम बने ही चाहिए। भाई एसजी स्पॉट से मर जाएगा तू, लगता ही होगी पर भाई।
तेरा क्या काम है? भाई मैं ना अपना फोन तोड़ दूंगा स्पैम क्लिकिंग कर करके। गाइस यार मैं ना यार कभी गाइस अभी ना मैं भाई मेरी मम्मी बुला रही थी अभी। भाई हो गया काम है, चलो अभी और वर्ने में चलते हैं यहाँ से। ये जो था ना ये ट्रैप बड़ा गंदा था मेरे लिए, चलो अभी चलते हैं ओवर वर्ल्ड के अंदर। भाई आ गए भाई यार तुम शिकार है सच में। हम क्या भाई मेरे पास कितने ब्लॉक्स आ गए बढ़िया। चलो भाई जी क्योंकि मैं अब हेलमेट पहन रहा हूँ, मैंडिंग तो लगी ही है इसके ऊपर। चलो अभी करते हैं इसका मर्डर और लेते हैं एक्सपी। भाई तुझे क्या लगा तेरा मर्डर नहीं होगा? भाई अब चलते ऊपर जरा, मैं लिटरल में ऊपर कैसे जाऊंगा? कहाँ पे हूँ मैं? लिटरल में एक ब्लॉक के अंदर था, मैं फिर से चला गया यार। सबसे पहले ना माइनक्राफ्ट के लॉजिक नहीं है, मैजिक है ये तो। और ये भी एक माइनक्राफ्ट का लॉजिक नहीं है, मैजिक है ये भी जो मैं कर रहा हूँ। ये माइनक्राफ्ट है ही नहीं, मतलब ये लॉजिक से बाहर ही है अपने। बल्कि ना पी वो बंदे ये सीखा ना माई लॉजिक के अंदर है। ये मुझे ना फटाफट से वहाँ पे ना लगाना पड़ेगा ये इसको पानी को। भाई भाई लगाया भाई, ऊपर चल ऊपर। ओन पूछो क्या हुआ? भाई डैमेज बहुत गंदा ले रहा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ मर सकता हूँ भी यहाँ पे। और डाल दिया मैंने। ओ यस मिशन पॉसिबल भाई, मिशन इम्पॉसिबल से पॉसिबल। बल्कि मैं स्विम करके नहीं जा सकता यहाँ पे, इतना बस रहा है। चलो जी अभी फटाफट से प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता हूँ मैं। भाई मिशन इम्पॉसिबल को मैंने पॉसिबल करी है। अब भी पॉसिबल ही हुआ, अब भी कुछ खास नहीं हुआ इसमें। भाई अभी भी ना अभी हम ब्लॉक्स की कुछ कम ही लग रही है अभी भी। ये पार्ट कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। तो गाइस अभी करते हैं, थोड़ा सब्र करो अभी मैं आपको ये सारा बना के मिलता हूँ। गाइस ऐसा करते हैं अभी ना वीडियो को सुबह में आता हूँ यार, लग रहा क्योंकि ना मम्मी डांट रहे हैं कि तू क्यों नहीं है यार। और मेरे पिंक शिप के साथ व्हाइट शिप क्या कर रही भाई? गाइस दो मिनट, तो गाइस यार इसको पॉज करके ही कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कंप्लीट होना इसका इसी कारण। भाई मेरे बारिश भी ऊपर से शुरू हो गई है भाई, स्टैक्स और स्टैक मिल गए मुझे। मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं आधी रात को वीडियो रिकॉर्ड करूँ भाई, मैंने
यस ली टाइम ये हो गया मैं तो बारिश भी खत्म हो गई है भाई। हिंदी हिंदी नहीं भूलनी आती, हम हिंदी के हम हिंदी को नफरत करते हैं। अगर जो आप हिंदी से नफरत करते हो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो यार। जल्दी फटाफट से भाई, पहली बात ये कि मुझे कमेंट से मेरे एक बंदे का कमेंट आया कि तूने अपने चैनल का नाम हिप हॉप गेमर क्यों रख लिया शौर्य गेमिंग से। तो गाइस मैं आप बताना चाहता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स वो कम हो रहे थे, इसी कारण मैंने ही अपना चैनल का नाम हिप हॉप गेमर रख दिया। और ऊपर से एक और चीज़ है, मैं क्योंकि ये चैनल का नाम सबने रखा हुआ हिप हॉप गेमर, कईयों ने रखा हुआ, ज्यादा नहीं रखा हुआ भाई। जैसे मैं शौर्य गेमिंग सर्च करता हूँ भाई इतने आ जाते हैं ना बंदे, इसी कारण मैं सोचा कि नाम चेंज कर देता हूँ, नाले ना फिर वो सबसे ऊपर भी आएगा। और मुझे ना शैडो बैन लगी हुई है, कुछ बंदों को तो पता ही नहीं होगा शैडो बैन क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, शैडो बैन एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण आपका चैनल फर्स्ट नंबर पर नहीं दिखता। जैसे कि मान के चलो मेरा अभी चैनल फर्स्ट नंबर पर दिखता है, जब मेरे 20 सब्सक्राइबर्स थे मेरा फर्स्ट नंबर दिखता था, जब मेरे अभी 30 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो उसके बाद से मेरा शैडो बैन लगी हुई है। ना ही मेरा चैनल फर्स्ट नंबर पे आता है, ना ही मेरा चैनल लास्ट नंबर पे भी नहीं आता। अब तो भाई ये होता है शैडो बैन का कमाल। इसी कारण मैं आपको कहता हूँ चैनल बना के ना थोड़ा सुरक्षित से चलाओ उसको। अगर जो आपका चैनल पहले नंबर पर नहीं आता आप समझ लेना कि आपको शैडो बैन लगी हुई है, और नहीं अगर जो लास्ट नंबर पर भी नहीं आता तो आप समझ लेना शैडो बैन लगी हुई है आपके चैनल। और आपको पता नहीं होगा ये आप खुद ही क्लेम करते हो, बताऊँ कैसे बताता हूँ। जैसे आप 30 सब्सक्राइबर्स को हिट कर लेते हो उसके बाद आप खुद ही शैडो बैन को क्लेम कर लेते हो उसमें ही, बताऊँ कैसे। जैसे कि मान के चलो यूट्यूब को अपडेट करना हो, उसके अंदर ना आपके ना चुपके से ना वो शैडो बैन का ऑप्शन लगा देते हैं चार साथ में। अगर जे आपका वो मेमोरी क्लियर करना हो ना, आपको नहीं पता भाई, बस सच बताऊँ आपको नहीं पता आपको शैडो बैन कैसे लगती है भाई। ये बहुत खतरनाक सीन है। अगर जो बाई चांस आपको कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक पड़ती है ना, कॉपीराइट कम्युनिटी कॉपीराइट स्ट्राइक, भाई आप ना एक सात दिन तो कोई यूट्यूब पे पोस्ट कर सकते हो, ना ही आप किसी के कमेंट्स को ऊपर लाइक और अपना हार्ट दे सकते हो। जैसे कि मैंने उसको दे हुआ है डे वडोड़ा व्लॉग्स भाई। इनका व्लॉगिंग चैनल ठीक है, इनके 160 व्यूज आते हैं इनके वीडियो पे, ऊपर मेरे भी उसमें मेरी वीडियो पे एक व्यू, 9 व्यू, 30 व्यू से ऊपर उठ रहे ही नहीं है। 30 से अगर बाई चांस 40 उठ भी जाए ना उसके बाद बढ़ते ही नहीं है भाई, वही पे अटका रहता है। इसी कारण यार फिलहाल ना मुझे डर लग रहा है कि मेरा चैनल यहीं पे ना ख़त्म ना हो जाए, बल्कि ना व्यूज आने दोबारा शुरू हो गया। वो ना मेरे लाइक टूट गया भाई, मैंने जितने ब्लॉक से सारे उठा देता हूँ दोबारा से इसको लगा के। अभी ना मुझे ना ये तो मैंने ब्लॉक के साथ डबल तोड़ देता हूँ यार, यहाँ से जंप बज रही है ना भाई। इसको मैंने तो एक ब्लॉक पे रख दिया, इसको मैंने 3 ब्लॉक ऊपर चकना तो कुछ नहीं होता। चलो नाल ब्लॉक्स भी थोड़े कम लगे भाई, एक्सपी फॉर्म बहुत थोड़ा है भाई। आपको ना फिर अभी कॉबलस्टोन माइन करके मिलता हूँ फिर से आप। तो भाई मैं थोड़े से एक्स्ट्रा कॉबलस्टोन चक ले आया हूँ यार, इतनी सबसे बुरी काम भी यही है। मैंने गलती से एक ब्लॉक का ये रख दिया, कुछ नहीं तो फिर भी उन्होंने वैसे भी तो गिरना ही है नहीं इसके अंदर। भाई सबसे रिस्की काम यही है,
पहले देख लो पार्ट वन में हम कैसे थे और पार्ट सेवन्थ में देख लो अब कैसे गया हम भाई फुल नेदर में, पर कि मेरे नेदर का हेलमेट टूटने वाला है भाई। इसको मैं ना अगजे शायद मैं अभी खेल पाया इसको, मैं इसको अभी रिपेयर कर सकता हूँ पूरा पूरा, ट्राई करूँगा कि इसको मैं पूरा का पूरा रिपेयर आर्मर को ही रिपेयर कर डालूँ। ट्राई करता हूँ पूरा, ट्राई टू कि मैं अपना हेलमेट ही रिपेयर कर डालूँ। ये हो गया ख़त्म। मैं सीरियसली बता रहा हूँ जो भी मॉब गिरेगा वो नाली ऊपर आ जाएगा, कोई मॉब नीचे ही नहीं आ पाएगा। इसी कारण मैं इसको ना सेट कर दूँगा कल कल तक। तो गाइस यार आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ भाई, बाकी मैं कल बनाऊँगा पार्ट एट में इसको मैं पूरा कर पाऊँगा, पार्ट एट पे इसको पूरा कर दूँगा। तो गाइस यार जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट्स में लिखना है #OP यार, फटाफट से #OP लिख दो, देख डालो यार मैंने पूरा को पूरा इसको एक्सपी इसको बनाया पूरा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।